गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम। खबर है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, मामला है बार्क द्वारा दिया गया एक ब्राइब। क्या आप लोगों ने इस खबर में एक चीज़ नोटिस करी? अगर नहीं करी है तो वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, आप इसको नोट करिए और देखिए और समझिए क्या है पूरा मामला। डर के साये में बार्क ने 30 लाख रुपये की पेमेंट की एक इंस्पेक्टर को, जो कि भेजा गया था सचिन वाजे द्वारा। एंटीलिया बॉम्ब स्क्वायर केस में आप लोग देख रहे हैं किस तरह से सचिन वाजे आज तलोजा जेल में है और मनसुख हिरेन डेथ केस के चलते तलोजा जेल पहुंच तो गए हैं, लेकिन एक्सटॉर्शन का मामला निकल निकल कर आ रहा है, वो अब उजागर हो रहा है। जैसे अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बार्क का मामला सामने रखा है तो अब ये सोशल मीडिया पर आ गया है पूरा मामला क्या है। लेकिन सबसे खास बात जो इसमें देखने और समझने की है, जो बार्क ने जो पेमेंट की है उस पर आप लोगों का ध्यान लेकर जा रहा हूं। वजह है एसएसआर केस। क्या है वो मामला, ये आप देखिए। पेमेंट की गई एक डमी कंपनी में, ये डमी कंपनी कहां से जनरेट हुई, किसने की, ये देखना और समझना होगा। हालांकि ईडी इस पर काम कर रही है, लेकिन ये एक डमी कंपनी में पेमेंट किया गया। इट वॉज लेड थ्रू 4 मोर शेल कंपनीज, 4 और कंपनी में आगे ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ। इट वॉज देन ट्रांसफर टू अ हवाला ऑपरेटर बैंक अकाउंट। उसके बाद ये हवाला में हवाला ऑपरेटर के पास गया और फिर वहां से एस कैश वापस आया, जो कि इंस्पेक्टर को पे किया गया बार्क द्वारा कंस्ट्रक्शन के काम पे। इस अकाउंट को, डमी अकाउंट को बनाया गया, पैसे ट्रांसफर हुए, हवाला ऑपरेटर के पास गया और वापस कैश में आ गया। लेकिन इसका एक्चुअल क्लू इसलिए निकल पाया क्योंकि ये बार्क ने बताया। अगर ये हैक किया होता तो क्या पता चल पाता? आप लोगों को ध्यान होगा सुशांत सिंह राजपूत केस में सुशांत के फादर ने 17 करोड़ का मामला लिखवाया हुआ है अपने एफआईआर में, लेकिन एक्चुअल अमाउंट जो खबरें निकल कर आ रही थी वो थी 50 करोड़। कहां गया वो अमाउंट? क्या वो अमाउंट इसी तरह डमी अकाउंट के थ्रू चेंज होकर कैश में ट्रांसफर हो गया है? एक सवाल है जो मेरे मन में आया, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो फिलहाल इस खबर पर एक चीज मेरे मन में आई और उसके चलते मैंने ये वीडियो बनाया। सुशांत सिंह राजपूत केस में आप लोगों को पता है कि पैसों का मामला अभी तक अटका हुआ है, कोई भी इसमें अपडेट्स नहीं आए हैं। लेकिन सचिन वाजे जिस तरह से 9 तारीख को रीइंस्टेट हुए थे, हालांकि खबर पहले ये आ रही थी कि सचिन वाजे 5th और 6th को रीइंस्टेट हुए हैं, हम मानकर चलते हैं कि 9 तारीख को रीइंस्टेट हुए। मामला है 13 तारीख का और उसके बाद क्या हुआ वो आज तक नहीं पता चला। लेकिन जो फंड्स हैं, जिस तरह से ये बार्क ने पे किया है 30 लाख रुपये, तो कुछ भी अमाउंट इसी तरह से और भी फ्रॉडलेंट हो सकते हैं, ये एक मेरा सोचना है। तो फिलहाल इस खबर पर ध्यान दिलाते हुए कि बार्क ने किस तरह से पेमेंट की और एसएसआर का अमाउंट कहाँ गया, एक सवाल। कुछ और खबरों के साथ फिर जुड़ूंगा। धन्यवाद।